अब कितनी प्यार से परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे मालिक हैं, हम उसके बच्चे हैं और हम बिगड़ गए भी, हम काल के जाल में फंस गए, इन बकवादा में बढ़ गए। और मालिक को पता है, पिता को पता होता है ये बच्चा जिस रास्ते जा रहा है इसके लिए बहुत हानिकारक होगा। समझाने की चेष्टा बहुत करता पर नालायक बालक ना मानते, अच्छे मान जाते हैं। तो क्या याद दिलाते हैं? अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि परमात्मा से दूर हो गए, अब तो उस मालिक से दूर हो गया, परमात्मा से दूर हो गया, संसारिक सुखों में इतना फंस गया इस काल के जाल में, उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब ते रहता और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहां गई वो बाता, मां के पेट में बार बार न्यू कहता है भगवान मुझे बाहर निकल दे, आपको याद करूंगा, आपको कभी नहीं बोलूंगा। ते उस समर्थ की रीझ छुपाई, तेरा ठीक ठाक शरीर बाहर निकाल दिया मां के पेट से, यानी उस मालिक ने प्रसन्न होकर के, रीझ ना माने खुश होकर के, और तुझे बाहर निकाल दिया, स्वस्थ तेरा शरीर दे दिया, और आज उस मालिक की तू भूल गया बंदगी और वो वचन भूल गया जो गर्भ के अंदर तूने याचना की थी। उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब ते रहता, इस संसार में उलझ गया, यो मेरा बेटा या मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, यो मेरा पति या कार या कोठी, और जो तेरा है उसने भूल गया तू, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहां गई वो बात। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि एक चकवा और चकवी पक्षी होते हैं, और वो यदि एक रात भी अलग अलग बिछुड़ जाते हैं तो सारी रात दोनों रोते हैं, हो सकता सुबह तक मृत्यु भी हो जाए उनकी। तो कहते हैं प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जय बिछड़ जा रहन पड़े, और हम अब युगों युगों के बिछड़े फिरते हैं प्रभु, अब कैसे यो मन धीर धरे। जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम यहां डड़े ढोई रहे थे, अब ये पता लग गया कि परमात्मा हम तो यहां के रहने वाले नहीं, या तो हमारे को एक बहुत जबरदस्ती और मिसगाइड करके हमारे साथ ब्लैकमेलिंग करके रोक रखा है, और जिसके यह बात समझ में आ जाएगी तो परमात्मा बताना आए थे, फिर आप यहां के संसारी काम को भी करते रहोगे लेकिन यह आस्था नहीं रहेगी आपकी, और ये होगा इस ज्ञान और साथ में भक्ति से। केवल ज्ञान भी बात नहीं बनती, ज्ञान के साथ साथ भक्ति, सेवा, सिमरण, दान, धर्म ये करते रहना पड़ेगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।